नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित और आपका स्वागत है आरएसएस किचन में। और एक नई रेसिपी होने वाली है, वो बेर की रेसिपी, जिसे हम झारखंड में खुखड़ी या तो इसे हम मशरूम कहते हैं, जंगली मशरूम, इसे हम अपने क्षेत्रीय भाषा में इसे उबेर कहते हैं। इस खुखड़ी का खासियत यह है कि यह मोटा होता है, काफ़ी मोटा होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जो मैंने पिछले वीडियो में टेक्नस बनाया था वो काफ़ी पतला होता है, देख सकते हैं आपको मैं टेक्नस का भी व्यू दिखा रहा हूँ। और ये बरसात के लास्ट में उगता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड हम उबेर को काट लेते हैं और इसे मैंने दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी का अंश होता है। और मेरे झारखंडी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, आप वहां पे मेरे वीडियो को सर्च आउट कर सकते हैं और बहुत सारा वीडियो मिलेगा झारखंड से रिलेटेड। मैंने टेक्नस के 4 से 5 वीडियो बनाया है, रुगड़ा का भी बनाया है, झारखंडी रेसिपी बहुत सारा बनाया है, झारखंड के कई रेसिपी बनाया है, फेमस रेसिपी बनाया है, दुधोरी, छिलका या तो अन्य बहुत सारे रेसिपी मैंने अपलोड किया है। आप मेरे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां से वीडियो को सर्च आउट कर सकते हैं या तो वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करेंगे, फौरन में जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे, तेल करीब 3 से 4 चम्मच डालना है और रफली कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज आपको इस प्रकार से काट लेना है, इसे हम ब्राउन होने तक भून लेते हैं मीडियम आंच में। और साथ ही साथ हम मसाला का पेस्ट तैयार कर लेंगे, मसाला देख सकते हैं, जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और कुछ गरम मसाला का भी इस्तेमाल करना है। सभी मसाले को जार में डालना है, आपके पास जो मसाला अवेलेबल है गरम मसाला उसे आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। अब मसाला को सील में भी पेस्ट कर सकते हैं, पीस सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुका है, पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट भून लेंगे। नमक और हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी 1/2 चम्मच, बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार, जितना आपके पास मशरूम उबेर हो या टेक्नस हो उसी के अनुसार आपको टमाटर डालना है। यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम मशरूम था तो एक टमाटर सफिशियंट हो जाता है। कटा हुआ उबेर डालेंगे, इसे हम चला लेते हैं। और अभी उबेर का जो सीजन चल रहा है तो ये मैक्सिमम घरों में बनता है और ये पारंपरिक व्यंजन है झारखंड का, काफ़ी लोगों का ये पसंद है उबेर, जगह जगह इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हमारे हजारीबाग में इसे उबेर बोलते हैं। इसे हम भून भून करके सुखा लेंगे, भूनते रहेंगे करीब इसे 15-20 मिनट भूनते रहना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर है, नमी है वो सूख जाए भूनते हुए। तो यहाँ देख सकते हैं मसाला भूनते हुए सूख चुका है। अब थोड़ा इसमें गर्म पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करें नहीं तो स्वाद भी बिगड़ सकता है। अगर आप इसे चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा पानी का इस्तेमाल सफिशिएंट कर लें। और धनिया पत्ता डालेंगे,
मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं इसे और इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मशरूम की सब्ज़ी, उबेर की सब्ज़ी, झारखंडी सब्ज़ी हमारा तैयार है और ये खाने में मीट से कम नहीं होता है, नॉनवेज से कम नहीं होता है, नॉनवेज भी फेल हो जाता है इसके सामने, इस सब्ज़ी के सामने, उबेर की सब्ज़ी के सामने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद और नमस्कार।